मिश्रा, बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले बात करेंगे सियासी खबरों की। और मध्य प्रदेश में होने जा रहे 28 सीटों के उपचुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। उपचुनाव के प्रचार के आखिरी 24 घंटे शेष रह गए हैं। कल शाम 5 बजे चुनावी शोर थम जाएगा, जिसके बाद उम्मीदवार, राजनीतिक दल किसी भी तरह से प्रचार रोड शो के जरिए या चुनावी सभाओं के जरिए नहीं कर पाएंगे, सिर्फ डोर टू डोर प्रचार कर पाएंगे। रोड शो के बाद हम बात करें कुछ और अलग, हम दूसरे तरह की बात करें या फिर आम सभाओं की बात करें, तो कोशिश बीजेपी और कांग्रेस की यही है कि आम सभाओं के जरिए या फिर रोड शो के जरिए अधिक से अधिक जनता तक पहुंचे। 28 सीटों पर जो उपचुनाव होना है, वहां पर बीजेपी और कांग्रेस के नेता और उम्मीदवार अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। प्रचार के अंतिम दौर में अब दिग्गज अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। बात करें सीएम शिवराज सिंह चौहान की, तो सीएम शिवराज सिंह चौहान आज डबरा में ही रात गुजारेंगे। रात में कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे, उनका मनोबल बढ़ाएंगे। और मध्य प्रदेश की 28 सीट, तो छत्तीसगढ़ की एक सीट यानी मरवाही सीट पर 3 तारीख को वोटिंग होना है और अब बहुत कम वक्त बचा है। कल शाम 5 बजे चुनावी शोर थम जाएगा। तो देखिए, अब बहुत कम वक्त बचा है, कल शाम 5 बजे चुनावी शोर थम जाएगा और राजनीतिक दल पूरी ताकत लगा रहे हैं जनता तक पहुंचने की। फिलहाल हम रुक करेंगे, आखिरी जो काउंटडाउन बचा है उपचुनाव से पहले का, समय बहुत कम रह गया है। क्या है स्थिति, किस तरह की जोर आजमाइश नेता कर रहे हैं, हमारे साथ 3 अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं। ग्वालियर से हमारे साथ प्रहलाद सेन जुड़ गए हैं, भिंड से हमारे साथ विशेष संवाददाता जुगल किशोर शर्मा, तो हमारे साथ मुरैना से निशांत बिसेन इस वक्त जुड़ गए हैं। सबसे पहले प्रहलाद, आप ही की मैं प्रतिक्रिया लूंगा, क्या हलचल ग्वालियर में देखने को मिल रही है, क्योंकि बहुत कम वक्त रह गया है जोर आजमाइश के लिए, अब समय बहुत कम बचा है। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा, महज 24 घंटे बचे हैं और इस 24 घंटे का उपयोग राजनीतिक दल पूरी तरीके से करना चाहते हैं। यही वजह है कि आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान डबरा पहुंचेंगे और यहां पर चुनावी सभा करने के बाद रोड शो करेंगे। उसके बाद अगर देखें तो कल का जो दिन बचता है वहां पर कांग्रेस भी पीछे नहीं हटने वाली है। जो पूर्व सीएम है कमलनाथ जी, जी जी बोलिए, आप बात पूरी करिए। क्या आप मुझे सुन पा रहे? जी जी, ये कल पूर्व सीएम जो है कमलनाथ वो यहाँ पहुंचेंगे और यहाँ पर रोड शो करेंगे और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। तो महज 24 घंटे ये जो दोनों पार्टियों के लिए है बेहद महत्वपूर्ण है और दोनों दल इस 24 घंटे का उपयोग करना चाहते हैं ताकि मतदाताओं तक उनकी बात ज्यादा से ज्यादा पहुंच पाए। यहाँ डबरा की बात करें तो डबरा में मुख्यमंत्री आज कार्यकर्ताओं से बैठक कर उन्हें मनोबल बढ़ाएंगे। तो जैसे जैसे काउंटडाउन नजदीक आ रहा है वैसे वैसे दोनों सियासी दल अपनी अपनी ताकत झोंक रहे हैं। चलिए, यानी कुल मिलाकर ग्वालियर, भिंड, मुरैना जो तीनों रीजन है, इसी की 16 सीटें काफी महत्वपूर्ण है इस 28 सीटों के उपचुनाव में। मैं भिंड से जुगल किशोर का रुख करूंगा। जुगल, क्या अपडेट है आपके पास, क्या जानकारी है, आप भिंड में इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, किस तरह की हलचल देख रहे हैं आप? देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब कुछ देर बाद मेहगांव में एक रोड शो करेंगे और जो प्रत्याशी है उसके पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे। देखिए, आखिरी 24 घंटे बेहद महत्वपूर्ण होते हैं और किसी भी प्रत्याशी की और राजनीतिक दल की ये कोशिश होती है कि एक एक मतदाता तक वो पहुंचे। अगर आज ही हम बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, बीजेपी के प्रदेश विष्णुदत्त शर्मा, ज्योतिराय सिंधिया, ये तमाम नेता एक एक गांव तक संपर्क की कोशिश कर रहे हैं। अभी नरेंद्र सिंह तोमर की मुरैना में सभा हुई थी, एक छोटे से गांव में उनकी एक सभा हुई है। तो बीजेपी की कोशिश है कि आखिरी 24 घंटे में जो विधानसभा सीटें हैं उन विधानसभा सीटों के छोटे छोटे गाँव तक वो अपनी बात को पहुँचा सके। इसके लिए सभाएँ आयोजित की जा रही है, रोड शो आयोजित किया जा रहा है। रोड शो की अगर हम बात करें तो रोड शो एक क्षेत्र में, एक पर्टिकुलर क्षेत्र में आयोजित किया जाता है ताकि उस क्षेत्र का में प्रभाव हो और उसकी जो लगी हुई आसपास की सीटें हैं वहाँ भी उस रोड शो का प्रभाव दिखे। कल जैसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुरैना में रोड शो किया था और उसके बाद ग्वालियर में रोड शो किया था, तो ग्वालियर और मुरैना बेहद महत्वपूर्ण सीटें हैं, कांटे का मुकाबला है। इस रोड शो से कितनी फिजा बदली होगी ये वक्त बताएगा, लेकिन फिर भी एक कार्यकर्ता में उत्साह जोश रहता है। इसके बाद आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान डबरा में रोड शो करेंगे। डबरा बेहद महत्वपूर्ण सीट है, मंत्री इमरती देवी वहां से उम्मीदवार है बीजेपी की,
तो वहां आज रात्रि विश्राम भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। लगातार दो दिन रात्रि विश्राम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस क्षेत्र में कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि कार्यकर्ताओं से बैठक होगी, कार्यकर्ताओं से बातचीत होगी, बड़े नेताओं से बातचीत होगी, कुछ मन मुटाव है या कोई मनभेद है उनको दूर किया जाएगा। बेहद महत्वपूर्ण है अगले 24 घंटे। चलिए फिलहाल आप नजरें बनाए रखिए जुगल, बेहद बात खास हो जाती है, 24 घंटे का वक्त रह जाता है। मुरैना से मैं निशांत बिसेन का रुख करूंगा। निशांत, जाहिर है कि मुरैना यूं तो अपनी मशहूर गजक के लिए काफी प्रख्यात है, फेमस है, लेकिन सियासी पारा इस वक्त मुरैना में भी चढ़ा हुआ है, क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, सियासी जायके की अगर बात करें तो इस वक्त जब तक मतदाता उनके पक्ष में मतदान नहीं करेगा राजनीतिक दलों के, तब तक उन्हें उस तरीके का जायका नहीं मिल पाएगा। मुरैना की अगर बात करें या इस पूरे अंचल की बात करें तो यहाँ पर नुक्कड़ सभाओं का सहारा इस वक्त ले रही है। बहुत कम महज 24 घंटे का वक्त अब बाकी रह गया है, चूँकि प्रचार में नुक्कड़ सभाएं कर रही है, मतदाताओं तक पहुंचने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को लामबंद कर रही है और सभी कार्यकर्ताओं को ये हिदायत दी जा रही है कि वो अपनी ज़मीन न छोड़ें, यानी छोटे छोटे पॉकेट्स में वो अपनी जिम्मेदारी निभाएं। प्रचार की बात अब पुरानी होती जा रही है, प्रचार अब उस तरीके से किया भी नहीं जा रहा है, हालांकि कल अंतिम दिन है तो थोड़ा बहुत प्रचार हम देख पाएंगे, लेकिन अब पूरा जो फोकस है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, इनका फोकस अब बूथ्स की प्लानिंग पर है और अब सबका जोर इस बात पर है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदाता वोटिंग के लिए घरों से बाहर निकले। आज हम सुमावली क्षेत्र में थे, इसके अलावा जौरा विधानसभा क्षेत्र में भी थे, तो हमने महसूस किया कि लोगों में, मतदाताओं में उतना उत्साह नहीं है वोटिंग को लेकर, और इसी बात को लेकर राजनीतिक दल भी आशंकित हैं। तो अब वो चाह रहे हैं कि इस 24 घंटे में थोड़ी इलेक्शंस में और जान फूंकी जाए, प्रचार को और जीवंत बनाया जाए ताकि मतदाता पोलिंग बूथ्स का रुख करे और अपना मत दे। चलिए फिलहाल कुल मिलाकर हम कह सकते हैं निशांत कि अब जोर आजमाइश के लिए वक्त बहुत कम बचा है नेताओं के पास, राजनीतिक दलों के पास, और यही कारण है कि ग्वालियर, चंबल, मुरैना, भिंड सब दूर राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक दल और उनके उम्मीदवार नेता यही कोशिश में जुटे हैं, अधिक से अधिक पूरी ताकत लगाई जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों संवाददाताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। तो कल रविवार शाम को चुनाव शोर थम जाएगा और 3 तारीख को वोटिंग होना है, कल 1 नवंबर को चुनावी शोर थम जाएगा, हालांकि उसके बाद उम्मीदवार सिर्फ डोर टू डोर जाकर प्रचार कर सकेंगे, वोट की अपील कर सकेंगे। आम सभाएं और रोड शो जो लगातार बीते दिनों मध्य प्रदेश की उपचुनाव वाली सीटों पर हमें देखने को मिल रहा है, वो सभी पूरी तरह से कल शाम को थम जाएगा।